उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए यूपी की 13 सीटें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर सीट पर वोटिंग होगी। वहीं केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल भी चुनावी मैदान में है। माना जा रहा है कि घोसी, गाजीपुर और मिर्जापुर में पेच फंसा हुआ है, तो आज हम चर्चा उन सीटों के ऊपर करेंगे जहां कड़ी टक्कर है, जहां पेच जो है वो फंस सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सातवें चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं और उनमें सबसे अहम है यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट, जहां पिछले 2 बार से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 3री बार चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी नगरी में विकास बहुत हुआ है। पीएम मोदी ने 2019 में 14 से भी ज्यादा अंतर से चुनाव जीता था और इस बार 2019 से भी बड़ा जो टारगेट है वो सेट किया गया। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर दांव लगाया है। बसपा से अतहर जमाल लारी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वाराणसी के बाद गोरखपुर लोकसभा सीट भी वीआईपी सीटों में से एक है। यहां बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता और मौजूदा सांसद रवि किशन को टिकट दिया है। उनका मुकाबला सपा नेता काजल निषाद से है। वहीं बसपा ने मुस्लिम चेहरे जावेद सिमनानी पर दांव लगाया है। चंदौली लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैट्रिक लगाने के इरादे में मैदान में उतरे हैं और उनका मुकाबला एनडीआईए की ओर से सपा के वीरेंद्र सिंह और बसपा के सतेंद्र कुमार मौर्य से होने वाला है। वहीं रॉबर्ट्सगंज सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। यहां बीजेपी ने मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कोल की बहू रिंकी कोल को टिकट दिया है, जबकि सपा ने छोटे लाल खरवार और बसपा ने धनेश्वर गौतम को प्रत्याशी बनाया है। घोसी लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी को कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। इस सीट पर एनडीए की ओर से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ताल ठोक रहे हैं और सपा ने राजीव राय पर दांव चला है। और बसपा की अगर बात करें तो बालकृष्ण चौहान को उतारकर ओबीसी वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। यहां लड़ाई त्रिकोणीय देखी जा रही है। अगली सीट है कुशीनगर लोकसभा सीट। यहां पर लड़ाई दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद विजय दुबे इस बार हैट्रिक के इरादे में है। वहीं एनडीआईए की तरफ से अजय प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से मुकाबला बढ़ गया है। मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव में उतरी है। वो लगातार 2 बार से यहां पर सांसद रह चुकी है और सपा के बीजेपी की ओर से रमेश बिंद को टिकट दिया गया है, जबकि बसपा ने मनीष त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतार करके दलित ब्राह्मण समीकरण को साधने की कोशिश की है। देवरिया लोकसभा सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के खाते में आई सीट है। इस सीट से कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की ओर से समाज सेवी शशांक मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने यहाँ यादव चेहरे पर दांव चला करके संदेश यादव को टिकट दिया है। सलेमपुर की अगर बात करें तो बीजेपी ने फिर 2 बार से सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा पर दांव लगाया है। उनका मुकाबला सपा की ओर से पूर्व सांसद रहे रमा शंकर राजभर से है। बसपा ने भी भीम राजभर को चुनावी मैदान में उतार करके राजभर वोटर्स को काटने की कोशिश की है। महाराजगंज सीट पर अगर देखें तो बीजेपी की ओर से 6 बार के सांसद रह चुके पंकज चौधरी, सपा की ओर से वीरेंद्र चौधरी और बसपा ने मौसम ए आलम को प्रत्याशी बनाया है। फिर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सपा ने यहां से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। अफजाल के पिछले बार बसपा के चुनाव चिन्ह पर यहां से जीत हासिल की थी। वो 5 बार विधायक भी रह चुके हैं और जबकि बीजेपी की ओर से पारसनाथ राय यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बांसगांव सीट से पूर्व सांसद सुभावती पासवान के बेटे कमलेश पासवान बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे हैं। वो 3 बार से सांसद रह चुके हैं। सपा ने यहां संदल प्रसाद और बसपा ने यहां से रामसमुद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो ये वो यूपी की सीटें हैं जहां पर इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 1 जून को यहां पर मतदान होगा और जो रिजल्ट है वो 4 जून को सामने आएगी। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।